जी हाँ दोस्तों, आज की बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, भारत पहुंचा अमेरिका में तबाही मचाने वाला वेरिएंट। बढ़ गए मामले, देश में फिर लगेगा लॉकडाउन, 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। भाई और बहनों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, चौंकाने वाली यहां पर खबर आ चुकी है। सरकार ने अभी अभी दी है बड़ी जानकारी, एक्सपर्ट्स ने भी लोगों को किया अलर्ट, फिर तबाही मचाने आ रहा है कोरोना, सब कुछ फिर होगा बंद, चौंकाने वाला ऐलान हो चुका है। दोस्तों एक बार फिर से भारत कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच चुका है, देश में फिर लग सकता है लॉकडाउन। तो दोस्तों इसको लेकर मोदी सरकार की ओर से कौन कौन से ऐलान किए गए हैं, कहां कहां लॉकडाउन लगने वाला है, पूरी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। और इसी के साथ बंद होने जा रहे हैं बैंक, निपटाएं तुरंत जरूरी काम, नहीं तो पड़ सकता है पछताना, आप नहीं निकाल पाएंगे खुद के ही जमा पैसे। तो कौन कौन से दिनों पर यहां पर बैंकों की छुट्टी रहेगी, आरबीआई की ओर से अभी अभी बड़ा फैसला लिया गया है, आपको इसकी पूरी जानकारी जानने को मिलेगी। इसी के साथ अगर आपके पास भी है आधार कार्ड और बैंक में है खाता, तो सरकार दे रही है 1,00,000 रुपए। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका देश के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों आपके राज्य आपके शहर के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें जानने को मिलेंगी, जो कि आप ही के काम की एवं फायदे की है। तो दरअसल दोस्तों आज की सबसे पहली और बेहद ही बड़ी खबर है मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। देश के माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने अभी अभी देश के सामने टीवी पर लाइव आकर दिया भाषण, देश में इन 7 चीजों को कर दिया है बंद करने का ऐलान, बचे हैं सिर्फ 10 दिन, 10 दिनों के बाद यह 7 चीजें हो जाएंगी संपूर्ण रूप से बंद, दैनिक जीवन में इन 7 चीजों का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, नया नियम हुआ लागू, आम लोगों को लगा बड़ा झटका। दोस्तों संपूर्ण देश में कुछ ऐसे नए नियम का ही बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, 10 दिनों के भीतर ये 7 चीजें बंद होने वाली हैं। तो कौन कौन सी ये चीजें हैं जिन्हें सरकार बंद करने जा रही है, इसको लेकर बड़ा झटका आम जनता को लगने जा रहा है। और वहीं इधर अगली बड़ी खबर, एक और बड़ा ऐलान हुआ है देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन सरकार खाते में डालने वाली है 13वीं किस्त के 2,000 रुपए, पैसा चाहिए तो फटाफट से करवाएं यह छोटा सा काम। अगर आप भी किसान है तो मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भेजने जाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। और वहीं पीएम आवास योजना की नई लिस्ट हुई जारी, फटाफट से चेक करें अपना नाम, गरीबों को मिलेगा घर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सरकार ने इधर जारी कर दिया लिस्ट, अगर आप भी अपना घर लेना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा किन किन लोगों को घर देने को लेकर नई लिस्ट जारी हुई है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ अभी अभी मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का हुआ बड़ा ऐलान, अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्स, फ्री में कर सकेंगे हाईवे पर सफर, जारी कर दिए नई लिस्ट। अगर आप भी सड़कों, हाईवे पर या फिर एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो केंद्र सरकार के मंत्री जी की ओर से बड़ा ऐलान हो चुका है, किन किन लोगों को अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वहीं इसी के साथ 86,000 बिजली कर्मचारियों की हुई हड़ताल, इस राज्य में नहीं आएगी बिजली, होने जा रहा है ब्लैकआउट, हो जाए सावधान। दोस्तों अगर आप 20 राज्य के रहने वाले हैं तो बिजली विभाग अभी अभी बड़ा ऐलान कर चुका है, हड़ताल की दे दी है धमकी, शुरू हुई हड़ताल, इस राज्य में अब नहीं आएगी बिजली, हो जाएगी ठप। दोस्तों कौन कौन से राज्यों को लेकर बिजली विभाग ने हड़ताल करने की धमकी दे दी है, कहां हड़ताल होने वाली है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ इधर स्कूल कॉलेज होने जा रहे हैं 15 दिनों तक बंद, सरकार ने दी बड़ी जानकारी। अगर आप भी देश के इन राज्यों के रहने वाले हैं तो कोरोना के बीच आई है बड़ी अपडेट, कहीं आपके भी राज्य में स्कूल कॉलेज नहीं बंद होने वाले हैं, आखिरकार कौन कौन से राज्य में 15 दिन तक बंद होंगे स्कूल और कॉलेज, इसकी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुफ्त राशन के बाद अब मोदी सरकार आपको दिखाएगी फ्री टीवी, केंद्र सरकार उठाएगी खर्चा, यहां के राज्य के लोगों के लिए लिया बड़ा फैसला। दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार आपके लिए एक बड़ी सुविधा और शुरू कर दी है, अभी तक सरकार फ्री राशन ही दे रही थी, अब आपको यहां पर फ्री में डिश टीवी भी देखने का मौका मोदी सरकार देने वाली है, जिसका खर्चा खुद केंद्र सरकार उठाएगी, आपके घर पर लगाया जाएगा फ्री में डीडी फ्री डिश। तो कहां कहां के लोगों को सरकार ये बड़ा तोहफा देने वाली है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसी के साथ सरसों का तेल हुआ सस्ता, फटाफट से चेक करें 1 लीटर के ताजा रेट। तो दोस्तों आपके राज्य आपके शहरों में सरसों के तेल को लेकर बड़ी खबर आ रही है, सरसों का तेल खाने का तेल सस्ता हो गया है, तो कितने रुपए तक की गिरावट आई है, ताजा रेट इस वीडियो में बताएंगे आपको। इसके अलावा सोना और चांदी भी हुआ सस्ता, फटाफट से कर लें खरीदारी, दोबारा नहीं मिलेगा मौका। तो 10 ग्राम सोना 1 तोला सोना अब आपको कितने रुपए में मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए हर एक खबर पूरी जानकारी इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक एक करके। उससे पहले भाई और बहनों आपसे निवेदन करेंगे, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, अपना प्यार दिखाइए, वीडियो पर छोटा सा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए।
और अगली बड़ी खबर दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट, आधार कार्ड वालों को सरकार दे रही है 1,00,000 रुपए, जल्द कराएं आवेदन। दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकार की ओर से किसान मजदूर महिलाओं एवं बच्चों समेत कई लोगों के लिए कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें से अब हर एक वर्ग के लोगों को सरकार लाभ देने को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दिया जाए कि आधार कार्ड के लिए अब आप यहां पर 1,00,000 रुपए का फायदा ले सकते हैं। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक जैसे कई ऐसे बैंक हैं जो कि अपने कस्टमर्स को आधार कार्ड पर लोन की सुविधा देना शुरू कर दी हैं। जी हां, अगर आपके पास मात्र आधार कार्ड होता है तो अब किसी भी बैंक में जाकर ले सकते हैं 1,00,000 रुपए का लोन। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं, कोई काम धंधा है, कहीं जरूरी काम आ जाता है, तो 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का लोन सभी आधार कार्ड धारकों को अब बैंकों की ओर से मिल सकता है। सरकार ने इसको लेकर अभी नए और नियम और शर्तें जारी कर दिए हैं। बस आपके पास में अपना आधार कार्ड, पर्सनल लोन लेने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ये जरूरी कागज आपके पास होने चाहिए। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, देश के करोड़ों किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 2,000 रुपए। ये छोटा सा काम नहीं करवाने वालों को नहीं मिलेगा फायदा। दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त भेजने का फैसला ले लिया गया है। 12वीं किस्त के बाद 13वीं किस्त इस दिन सरकार डालने वाली है। जिन्होंने EKYC नहीं करवाई है उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। EKYC करवा चुके पूरे किसानों के खाते में पैसा सरकार ने कहा है कि 10 जनवरी को भेजा जाएगा। तो अगर आपने EKYC नहीं करवाई है तो CSC सेंटर पर जाकर, मतलब कि अपने जन सुविधा केंद्र में जाकर EKYC फटाफट से करवा लीजिए, वरना आपको 10 जनवरी को पैसा नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ बड़ी अपडेट आ रही है, PM आवास योजना की नई लिस्ट हुई जारी। PM आवास 2022-23 को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, चेक करें अपना भी नाम। दोस्तों अगर आप भी घर लेना चाहते हैं तो मोदी सरकार ने इसको लेकर बड़ी खबर दे दी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण की सूची सरकार ने जारी कर दी है, जिसके तहत यहां पर सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2022-23 की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। इसमें जिन लोगों का नाम होता है सरकार अब उनको घर देने वाली है। तो अगर आप भी घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप फटाफट से PM आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करवा लीजिए। आवेदन करवाते ही कुछ दिनों के भीतर आपका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा और सरकार आपको इसके लिए घर बनवाने के लिए पैसे देती है। तो दोस्तों आज की एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल देश में फिर लगेगा लॉकडाउन, सरकार की ओर से बड़ी जानकारी आ रही है। फिर से तेजी से बड़े कोरोना के मामले, अमेरिका का नया वेरिएंट पहुंचा भारत, एक्सपर्ट्स ने लोगों को किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन, जापान और अमेरिका में नए मामलों में इजाफा जारी हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है, भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच चुका है, जिसके कारण एक्सपर्ट्स ने देशवासियों को चेतावनी दे दी है। किसी भी राज्य में कोरोना के ग्राफ में अभी तो फिलहाल वृद्धि नहीं देखी जा रही, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान 150 से ज़्यादा मामले भारत में देखने को मिले। 2,00,000 जाँचें की गई हैं जिसमें ये मामले पाए गए हैं। दोस्तों तो एक बार फिर से संभल जाइए, सावधान हो जाइए। चीन से निकलकर अमेरिका और अमेरिका के बाद अब भारत में कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। अमेरिका में XBB वेरिएंट अब भारत भी पहुंच चुका है। कल ही अभी एक यहां पर कोरोना का नया वेरिएंट भारत में पाया गया है। इसके अलावा इधर ठंड के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा बिहार और साथ ही हरियाणा और पंजाब में स्कूलों को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही नेक्स्ट बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, मुफ्त राशन के बाद अब TV देखने का खर्चा भी उठाएगी सरकार। इस वजह से लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से अभी आम जनता, गरीबों के लिए खुशखबरी दी गई है। आपको अभी तक मुफ्त में अनाज ही मिलता था, साथ ही मकान भी सरकार आपको, जिन लोगों के पास में घर नहीं होता था उनको देती थी। लेकिन मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला अभी लिया गया है। केंद्र सरकार अब आम जनता को फ्री में DISH TV भी देने वाली है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति सुधार करने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। भाई और बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है सीमावर्ती जो जनजातीय इलाके हैं, सुदूर जो हिस्से हैं भारत के, वहीं पर ये केवल सुविधा दी जाएगी। तो सरकार की ओर से जो है बड़ा फैसला लिया गया है दूरदर्शी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट बड़ी अपडेट, देश में सस्ता हुआ खाने का तेल, गिरे धड़ाम से सरसों के तेल की कीमतें, जानिए कितने रुपए में मिल रहा है 1 लीटर तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल की कीमतों में औंधे मुंह यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। देश भर में सरसों तेल यहाँ पर रेट इन दिनों काफी ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आज फिर से सरसों के तेल की कीमतों में गिरावट आई है। आज की वजह से सरसों का तेल अब अपने उच्चतम से 60 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर जो है कम में बिक रहा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में 145 रुपए प्रति लीटर में आपको सरसों का तेल उत्तर प्रदेश के मेरठ में खरीदने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 60 रुपए प्रति लीटर की गिरावट सरसों के तेल कीमतों में हो चुकी है।
इसी बीच नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है भाइयों और बहनों, बैंकों को लेकर खबर आ रही है, बैंक होने जा रही इतने दिनों तक भंग, फटाफट से निपटाएं जरूरी काम वरना अपने ही खाते से नहीं निकाल पाएंगे खुद के जमा पैसे। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत में अब यहाँ पर जो है बैंकों की छुट्टियों की RBI ने लिस्ट जारी की है। अभी यहाँ पर कुछ ही दिन निकले हैं कि यहाँ पर बैंकों की छुट्टियों की यहाँ पर खबर आ चुकी है। दोस्तों भाइयों और बहनों बता दीजिए कि यहाँ पर बैंकों में इस महीने कुल मिलाकर 13 दिनों तक बैंक में अवकाश होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 13 दिनों तक रहेंगे बैंक बंद। 8 जनवरी 11 13 12 14 15 16 23 26 28 29 जनवरी को बैंकों में अवकाश रहने वाला है। इसी दिन अगर आप भी काम करने जा रहे हैं तो फटाफट से देख लीजिए कहीं आपका भी तो काम लटक ना जाए। इसी बीच नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, फटाफट से कर ले खरीदारी, सोने की कीमतों में हुई बड़ी गिरावट, जान लीजिए क्या है ताजा रेट। जी हाँ दोस्तों, सोना यहाँ पर एक बार फिर से सस्ता हो चुका है। पहली बार सोने की कीमतों में तगड़ी गिरावट देखी जा रही है। 1 तोला सोना की कीमतों में यहाँ पर बड़ी गिरावट आ गई है भाइयों। जी हाँ, सोना अपने उच्चतम से अभी यहाँ पर जो है 4,100 रुपये सस्ते में बिक रहा है, जिसके चलते बाजारों में ग्राहकों की भीड़ खूब दिखाई दे रही है। दोस्तों सोना खरीदारी करने वालों के यहाँ पर रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल और इंदौर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों शहरों में यहाँ पर सोना खरीदारों की खूब भीड़ लग चुकी है। सोने की कीमतों में यहाँ पर जो है 4,000 से ज्यादा की इसके उच्चतम स्तर से गिरावट देखी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली विभाग का बड़ा ऐलान, होने जा रही हड़ताल, देश के इस राज्य में हो सकता है ब्लैकआउट, बिजली हो सकती है ठप। जी हाँ भाइयों और बहनों, बिजली जिन जिन राज्यों को यहाँ पर महाराष्ट्र से जाती है उन सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में बिजली विभाग की ओर से अभी अभी यहाँ पर विरोध के चलते हड़ताल करने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 86,000 ऐसे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जो कि महाराष्ट्र की मुंबई, ठाणे और साथ ही नागपुर में यहाँ पर जो है हड़ताल करने जा रहे हैं। इन सभी शहरों में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन हड़ताल कर्मचारियों के चलते बिजली भी ठप हो सकती है, हो सकता है ब्लैकआउट। तो दोस्तों अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं आप किस राज्य के निवासी हैं। बड़ा अपडेट आ रहा है, एक और CNG हुई महंगी, रसोई गैस सिलेंडर के बाद लोगों को एक और लगा बड़ा झटका। दोस्तों बता दीजिए कि एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडर, LPG रसोई गैस सिलेंडर के बाद CNG गैस भी महंगी हो चुकी है। CNG PNG की कीमतों में 5% की वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके बाद यहां पर आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। अभी नए साल के मौके पर रसोई गैस सिलेंडर कमर्शियल वाला 25 रुपये तक महंगा हुआ था, उसके बाद अब CNG भी 5% की यहां पर दिल्ली में हो चुकी है महंगी।